श्री श्री फाउंडेशन संस्था की ओर से स्वर्गीय श्री मनोहर राव केटे इनके स्मृति में जनाबाई मानपुड़ी बहुद्देशीय शिक्षा संस्था की नागपुर तहसील ग्रामीण मरीजों के लिए एम्बुलेंस संकेत चंद्रशेखर बावनकुड़े के हाथों दी गई। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री श्री फाउंडेशन संस्था की ओर से स्वर्गीय मनोहर राव केटे इनके स्मृति में जनाबाई मानपुड़ी बहुद्देशीय शिक्षा संस्थान को नागपुर तहसील ग्रामीण के मरीजों के लिए ऑक्सीजन एम्बुलेंस चंद्रशेखर बावनकुड़े तथा संकेत बावनकुड़े के हाथों दी गई। नागपुर ग्रामीण परिसर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ऐसे में कोरोना का इलाज करने के लिए ग्रामीण के मरीजों को अस्पताल में जाना मुश्किल हो रहा है। इस एम्बुलेंस का उपयोग नागपुर तहसील ग्रामीण के लिए किया जाएगा। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा है। इस एम्बुलेंस में मरीज के साथ दो व्यक्ति आ जा सकते हैं। इस एम्बुलेंस सेवा के बारे में संकेत बावनकुड़े, चंद्रशेखर बावनकुड़े, डॉक्टर प्रीति मानमुड़ी और टेकचंद सावरकर इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आज श्री श्री फाउंडेशन के माध्यम से इनके अध्यक्ष संकेत जी बावनकुड़े इनके माध्यम से यह एम्बुलेंस श्री स्वर्गीय मनोहर राव जी गिरडे इनके स्मृति प्रीत्यर्थ दी गई है। मैं इस नागपुर ग्रामीण और नागपुर शहर के जो प्रीति मानमुड़े जी के नेतृत्व में इस संस्था को दी गई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस एरिया के सभी मरीजों के लिए तत्काल सेवा उपलब्ध होंगी और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की यह सुविधा होगी। मैं शुभेच्छा देता हूं और धन्यवाद करता हूं। तुरंत लोगों की जान बचना चाहिए और उद्देश्य ऐसा है कि लोगों की सेवा करना, सेवा ही संगठन, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा काम करे जो राष्ट्र के हित में हो, जो लोगों के हित में हो और ये सेवा के साथ संगठन भी मजबूत करे। ये आधार पे आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एम्बुलेंस ये श्री श्री फाउंडेशन की वजह से तरफ से जनसेवा में दी है। मैं आशा करता हूँ कि डॉक्टर मानमोड़े उनकी ट्रस्ट ये पूरे नागपुर ग्रामीण में अच्छा काम करेगी और जो उद्देश्य से ये एम्बुलेंस दी गई उसका उद्देश्य पूरा होगा ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर प्रीति मानमोड़े जी हमारे साथ में। प्रीति जी ये बताए कि जिस तरह से ये जो एम्बुलेंस दी गई है मरीजों के लिए कितने फायदेमंद साबित होने जा रही है। सर, ये जो एम्बुलेंस हमें मिली है इसके लिए सबसे प्रथम तो हम श्री श्री फाउंडेशन के अध्यक्ष संकेत बावनकुड़े जी से ये अनुरोध करते हैं कि आपने हमारे लिए ग्रामीण के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करके दिया है, क्योंकि ग्रामीण भाग में जब हम काम कर रहे थे हमने देखा है कि हमारे यहाँ के पेशेंट्स लोगों को जो परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती थी उसकी सूचना हमने जब चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब को दी तो इन्होंने हमारी परेशानियों को जानते हुए श्री श्री फाउंडेशन की तरफ से हमें यह एम्बुलेंस दी है। हम काफ़ी माफक दर में ये पेशेंट सभी रुग्णों के लिए इसकी सेवा हम देना चाहते हैं और इसका उपयोग और सर ने दिया है तो हम इसका निश्चित उनके दिए हुए कार्य को एक योग्य तरह से न्याय देने का प्रयत्न करेंगे और सभी पेशेंट के तरफ इसका एक सहयोग देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आप थी प्रीति मानमोड़े जिन्होंने बखूबी व्यापक के साथ बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से ये जो एम्बुलेंस मिली है कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है और इसकी पहल संकेत बावनकुड़े इनके द्वारा ये एम्बुलेंस दी गई है। अब देखना ये होगा कि मरीज इसका कितना फायदा उठाते हैं, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की जो लचर हालत बनी हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या मनपा प्रशासन हो, इनकी ओर से अभी भी ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है, एक चिंता का विषय है। ऐसे में इस प्रकार के एम्बुलेंस मिलना एक संजीवनी का काम कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।